हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने साइंस की एक नई और स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा केमिकल फार्मूला से रिलेटेड। जो केमिकल फार्मूला होते हैं उनमें से कोई एक ना एक केमिकल फार्मूला तो हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछा ही पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। जो केमिकल फार्मूला होता है ना वो बड़ी मुश्किल से बच्चों को याद होता है, तो आज मैं ट्रिक के साथ आपको केमिकल फार्मूलाज लर्न कराने वाली हूँ। आप अगर ध्यान से एक ही बार पूरी वीडियो को देखोगे तो एक ही बार में आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, लंबे टाइम तक आप नहीं भूलोगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला है आपका जिप्सम का। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। अब आप इसको याद कैसे करोगे? देखो जिप्सम से क्या होता है, देखो जैसे जीप, मान लो आपने किसी की जीप चुरा ली तो जीप, जिसकी जीप थी वो क्या करेगा, केस करेगा आपके ऊपर। तो केस से कैसे कैल्शियम और सर से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और देखो सम क्या होता है, सम संख्या क्या होती है आपकी, जो दो से डिवाइड होती है। तो क्या आ गया, ये दो, टू मॉलिक्यूल्स किसके आ गए, वाटर के। H2O तो आपको पता ही है वाटर होता है। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो यहाँ तक तो सेम है आपका कैल्शियम सल्फेट। और उसके बाद जब आप इसको जिप्सम वाले को, मतलब जब कैल्शियम सल्फेट को आप क्या करोगे, गर्म करने पर क्या होता है, वेपर्स निकलते हैं ना, मतलब पानी की जो क्वांटिटी होती है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है। तो आपका वाटर कितना बच गया, आधा रह गया, ठीक है, कितना बच गया, 1/2। ये वाला आपका सेम। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। धावन, देखो धोने के लिए किसको जरूरत होती है आपकी, ज्यादा पानी चाहिए ना, मतलब ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो मतलब इसके क्या आ गया, 10, मतलब जैसे आपको 10 बाल्टी पानी की चाहिए तो इसके उसमें जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आप किसके ऊपर टिक लगाओगे, जिसके साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10। नेक्स्ट आपका खाने का सोडा, जो खाने का सोडा होता है आपका वो होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट और ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम और इसके कार्बोनेट के बीच में क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन आ गया। नेक्स्ट है आपका साधारण नमक तो आप सभी को पता ही है NaCl होता है आपका, तो साधारण नमक का क्या हो गया, NaCl। नेक्स्ट आपका शुष्क बर्फ का क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। ठंड में क्या होता है आपका, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है ना, ठंड में आपका CO से क्या याद करोगे, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है लेकिन पीनी नहीं चाहिए, तो आपको ये तो पता है। नेक्स्ट है आपका हरा कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3। देखो हर इसको कैसे याद करोगे, हरा से हर, कशिश से किसी, हर किसी को क्या, फेरे लेने पड़ते हैं शादी में, Fe से फेरे और ऐसे शादी, हर किसी को फेरे लेने पड़ते हैं शादी में। नेक्स्ट आपका सिंदूर का होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। इसकी ट्रिक देखो, अगर आप GS पढ़ोगे तो क्या होगा, अगर आप अच्छे से GS पढ़ोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी और नौकरी लगेगी तो क्या होगा, फिर शादी होगी, शादी में क्या करते हैं, सिंदूर करते हैं। तो ये हो गई आपकी यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका बुझे हुए चूने का क्या फार्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। देखो जो चूना होता है वो क्या होता है, CaO। जब इसमें क्या डालोगे आप, वाटर डालोगे, तो देखो H2 भी क्या हो गया, 2, और O भी क्या हो गया आपके, 2, CaHDH, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो OH पूरे का क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO, इस पूरे का क्या है, ट्वाइस। देखो बाजार में जब आप जाते हो क्या करने, लीची खरीदने जब बाजार में जाओगे तो आप उससे दुकानदार से पूछते हो ना कि कितने किलो है। जब लीची खरीदने जाओगे बाजार में तो पूछोगे आप कि कितने किलो है। नेक्स्ट आपका फिटकरी क्या करती है,
पानी को साफ सुथरा बना देती है। आपका चाहे कितना ही पानी हो, उसको अगर आप फिटकरी डालोगे उसमें तो वो आपके पानी को साफ बना देती है, स्वच्छ बना देती है। तो फिटकरी को क्या करोगे, 24 जैसे 24 बाल्टी पानी है आपके पास, और 24 बाल्टी पानी क्या कर दी आपने, फिटकरी डाल के स्वच्छ कर दी। फिटकरी का फॉर्मूला ज्यादा लंबा होता है, ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा दिखे वही आपका क्या हो जाएगा, फिटकरी का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस से क्या होता है, हम हंसते हैं जोर जोर से और ऐसे क्या बोलते हैं कि जैसे कई बार बच्चे को नहीं बोलते कि ये ज्यादा हंस रहा है, हंसो, अगर इतना मत ज्यादा मत हंस, नहीं तो तू बाद में फिर रोएगा। तो ज्यादा हंस मत, नहीं तो रोएगा, ओ रोएगा ओ। तो ये थी आपकी ट्रिक आपके केमिकल फॉर्मूलाज को याद करने की, उम्मीद है आपको साथ के साथ याद हो गई होंगी। तो ये आपकी एग्जाम में एक तो पक्का पूछी जाती है, तो इनको जरूर याद कर लेना पूरे ध्यान से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।